R9 के खास प्रोग्राम भ्रष्टाचार पर वार में एक नई कहानी आप सभी के समक्ष दिखाने वाले हैं। यह घटना है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद की। पीलीभीत में भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा है, ऐसी बात इस खबर से सिद्ध होती हुई दिखाई दे रही है। पीलीभीत में सरकारी अफसरों पर भ्रष्टाचार की ऐसी दीमक लग चुकी है कि अफसरों को रिश्वत लेते हुए भी अब डर नहीं लग रहा है। यह भ्रष्टाचार का मामला विकास खंड पूरनपुर के ग्राम पंचायत चतीपुर का है। चतीपुर के दोनों पैरों से अपाहिज अखिलेश कुमार ने आरोप लगाया है। राजकिशोर लेखपाल ने प्रति क्विंटल 200 रुपए रिश्वत लेने की बात कही है, तभी जाकर यह धान तुल सकेगा, ऐसी बात सामने आई है। सरकारी क्रय केंद्र पर धान रिश्वत के मामले का यह एक बहुत बड़ा कवरेज आपके सामने हम दिखा रहे हैं। लेखपाल ने धान को मंडी पूरनपुर लाने के लिए कहा और अखिलेश अपना धान मंडी लेकर गए। वहां पर बैठे ठेकेदार द्वारा 200 क्विंटल लेंगे तब तुलेगा, ऐसा कहा गया। अखिलेश ने वहां भी रिश्वत से इनकार कर दिया तो धान को रिजेक्ट बताकर वापस कर दिया गया। प्रार्थी अखिलेश के पास रिश्वत मांगने का एक ऑडियो भी मौजूद है जो आप R9 भारत पर देख रहे हैं एक्सक्लूसिव, जिसमें दिखाई दे रहा है कि उक्त वीडियो में किस तरीके से यह भ्रष्टाचार की दीमक कहां तक पहुंच चुकी है। धान रिजेक्ट की रिपोर्ट क्यों लगा दी जबकि धान सही था, और इस धान के क्विंटल करवाने के एवज में 200 रुपए मांगने की यह रिश्वत आखिर क्यों है, इसका जवाब तो सिर्फ रिश्वत मांगने वाला ही दे सकता है। देखिए यह विशेष रिपोर्ट संवाददाता सानू सिंह चौहान के साथ। R9 भारत के लिए सानू सिंह चौहान की रिपोर्ट, पीलीभीत उत्तर प्रदेश। हेलो लेखपाल सर, नमस्कार। अखिलेश बोल रहे चतीपुर से। हाँ भैया बताओ, कहा है क्या है दादा? ठीक है भैया, हमें एक चीज जानना चाहते हैं। हाँ, हमारा धान का खराब था, आपने देखो तो ना, तो ठीक रहा है भैया धान? धान ठीक रहा है ना, और उसके बाद हमने का अपने अपनी शिकायत का हमने झूठी करी। झूठी शिकायत? झूठी का तुम्हारे धान तो जाकर झूठी शिकायत नहीं रहा है भाई। अच्छा नहीं पैसे का झूठी शिकायत धान नहीं तुले तो झूठी भी गई। नहीं नहीं नहीं, झूठी शिकायत नहीं धान तुम्हारे नहीं थी या नहीं थी लेखपाल साहब, सच्ची बताइयो। हमारी समस्या थी या नहीं थी? हाँ समस्या थी तुम्हारी, समस्या हम का जा जब तो अधिकारी तक जान, समस्या तुम्हारी रहा है भैया, समस्या रहा है। लेकिन आपने भी यह चीज अपनी रिपोर्ट में सबसे पहले लिखी है कि समस्या झूठी है। हमने गांव में जाकर जांच करी, जांच के आधार पर कह रहे कि समस्या झूठी है आपकी, अभी हमने रिपोर्ट पढ़ी। अच्छा तुमने कही मनोहर लिख दो, जो आपको मनोहर भैया वो आप लिख दियो कि समस्या झूठी है, समस्या जो भी है समस्या लिखते हैं आप उसमें कि हाँ उनके धान ना तुले। आपने बातचीत ना लिखी, अधिकारी के बता नहीं हमने लिख दे, मतलब पूछी तो भाई तुमसे हमने, तुमने कही है जाओ लिख दो जाए कि समस्या झूठी है हमारी। तो यार तुलवाए हैं कि ना है भाई? ना धान ना तुले। और एक चीज आपकी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कोर्ट लेके जा रहे। चलो ठीक है जाओ, जब जो मर्जी आप करो तुम अपना, उनको आईमा का बल दे। हाँ